हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग सेट थ्योरी का एक सेट डिस्कशन करेंगे। और इस तरह का सेट कैट में आ चुका है ऑलरेडी, और बनने के चांसेस काफी रहते हैं। सेट थ्योरी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह होना चाहिए आपको। हर क्वेश्चन को ब्रेक पता होना चाहिए, किस तरह से ब्रेक हो रहा है, कहां पे एक सेट थ्योरी लग रही है, कहां पे नहीं लग रही है। तो उसी चीज के सिखाने के लिए हम लोग यहां पे आए हैं सेट के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, और आई होप कि जब सेशन ओवर होगा तो कुछ ना कुछ लर्निंग लेके जाओगे। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, ठीक है। सो सेट कह रहा है कि देयर इज एन एलीट इंस्टीट्यूशन नेम्ड कॉल्ड गुरुकुल, ठीक है। शाहरुख खान और अमिताभ नहीं आने वाले वैसे। इन विच देयर आर स्टूडेंट फ्रॉम मेनी स्टेट्स इन इंडिया, द स्टूडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आर डूइंग ग्रेट इन एकेडमिक्स एज वेल इन स्पोर्ट्स, सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ब्ला ब्ला ब्ला, मेनी जर्नलिस्ट डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड दिस। द जर्नलिस्ट पिक्ड 100 स्टूडेंट फ्रॉम द होल इंस्टीट्यूट। यहां पे आई मेरे काम की बात कि मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं। यहां पर मेरे काम की बात आ गई, मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं। Try to notice the activities by the student. The following data pertains to profile of 100 students picked for this whole process. The student are of poor financial background and good financial background. Now understand, यहाँ पे मुझे एक चीज पता चली कि ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। मतलब यहाँ पे पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड में है डिवाइड 100 स्टूडेंट, और ये गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड में 100 स्टूडेंट डिवाइडेड है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, परफेक्ट। पहली इंफॉर्मेशन, Each student is doing great in exactly one of the two subject, mathematics or science. मतलब यहां पे एक और चीज में डिवाइड है, मैथमेटिक्स और साइंस में। इसका मतलब यह है कि पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले 100 है, इसी तरह मैथमेटिक्स प्लस साइंस वाले भी 100 है, परफेक्ट। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, मैथमेटिक्स और साइंस में देयर इज नो कॉमन इन्वॉल्व, इसी तरह पुअर फाइनेंशियल और गुड फाइनेंशियल में कॉमन इन्वॉल्व हो नहीं सकता है। अब हमें कह रहा है एवरी वन ऑफ देम नो हाउ टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, चेस और बैडमिंटन। मतलब यहां पे मेरा काम आता है कि मुझे समझ में आता है कि ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का बन सकता है, कि कहीं ना कहीं बैडमिंटन और चेस में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होने वाला है, परफेक्ट। तो अब देखो यहां पर बाद में कुछ डाटा फिल कराया मुझसे 20-30 एंड सो ऑन। तो बैडमिंटन और चेस में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आने वाला है। तो अब देखो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन डिसाइड होगा कि तुम उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। समझो, मैंने लिया कि ये मैथमेटिक्स है, यहां पे साइंस है। अब हो सकता है जो मैथमेटिक्स वाला हो वो पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो या गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, या हो सकता है वो पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, ठीक है। सेम फॉर साइंस स्टूडेंट की गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड या पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अब जो मैथमेटिक्स का है और गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, दे कैन प्ले बैडमिंटन और चेस। तो यहां पर हम लोग सेट थ्योरी का यूज कर लेते हैं कि ये बैडमिंटन है और ये चेस है। सेम हेयर, इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। मतलब हम लोगों ने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कुल मिला के, ये बैडमिंटन है और ये चेस है। यहां पर भी सेम चीज कि ये बैडमिंटन है और ये चेस है। सेम चीज यहां पे आ गई कि बैडमिंटन है और चेस है। ये क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह के क्वेश्चन का, जहां पर दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया हो और एक पार्ट में कॉमन दिया हो। तो दिस शुड बी योर रिप्रेजेंटेशन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का डाटा पढ़ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ग्रेट इन साइंस एंड ऑल्सो हैव पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, साइंस एंड पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड नो चेस इज 20। तो मतलब अगर मान लो कि इसको मैं ए कह दूं तो दिस विल बी योर 20 माइनस ए, ये वैल्यू 20 माइनस ए होने वाली, ये ए आई तो ये 20 माइनस ए हो गई, है ना। साइंस, पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड चेस। थर्ड इंफॉर्मेशन आते हैं, 50% ऑफ द स्टूडेंट हु आर टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन, मतलब 100 का 50% दैट विल बी 50 है पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मुझे पता चल गया कि पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले 50 हैं। यहीं से डिवाइड करने का मतलब यही होता है कि एक बार तुम्हें अगर पुअर फाइनेंशियल पता चल गया तो तुम्हें यह भी पता चल गया कि गुड फाइनेंशियल वाले भी 50 है। उसको लिखते चलोगे तभी वो चीजें मिस नहीं होंगी कहीं पर। ऑफ विच 30 स्टूडेंट नो चेस, मतलब जो 50 स्टूडेंट है पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, उसमें से 30 जो है वो चेस खेलते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इस वैल्यू को, ये पर्टिकुलर वैल्यू मैं b कहूं, तो ये जो वैल्यू आने वाली है दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस b।
क्योंकि टोटल चेस वाले पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड में 50 में से 30 जो हैं वो चेस खेलते हैं, तो 20 चेस ऑलरेडी यहां पर हमने दिखा दिया था, इस वैल्यू इज 20, रिमेनिंग कितनी रह गई चेस वाली 10, तो कॉमन वाले को बी दिया तो ये रिमेनिंग रह गई 10 माइनस बी, ओवरऑल 30 हो गए, थर्ड इंफॉर्मेशन भी चली गई। 60% ऑफ द स्टूडेंट हु आर टेकन इन टू द कंसिडरेशन आर गुड इन मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि 100 का 60% मतलब 60 मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, इसका मतलब है कि 40 जो है वो साइंस में अच्छे हैं, ऑफ विच मतलब इस 60 में का 40% जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं उसका 40% मतलब 24 है पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, परफेक्ट, मतलब ये जो डब्बा बना हुआ है ये वाला पार्ट ये 24 है टोटल, यहीं से मेरा पूरा क्वेश्चन ही ब्रेक हो गया कि ये 24 है तो ये 26 होगा क्योंकि टोटल पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले 50 है, 24 प्लस 26 मैथमेटिक्स के 60 है तो ये कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 60 ये था, 24 यहां पे आ गए पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले, टोटल मैथमेटिक्स के 60 थे ठीक है ना, यहां पे 26 हो गए तो ये कितना हो गया 14 हो गया और ये कितना हो गया 36 हो गया टोटल, परफेक्ट 36। बहुत इंफॉर्मेशन हमें फोर्थ वाले से मिल गई ऑलरेडी। नो स्टूडेंट हु इज डूइंग ग्रेट इन मैथमेटिक्स नो बोथ चेस एंड बीडी, इसका मतलब है जो मैथमेटिक्स प्ले कर रहा है वो दोनों नहीं प्ले करेगा बैडमिंटन और चेस, मतलब ये कॉमन पार्ट जीरो होगा, मतलब ये बी की वैल्यू जीरो हो गई, ये कॉमन पार्ट जीरो हो गया, इसका मतलब है ये वैल्यू 10 हो गई, ओनली चेस वाले की वैल्यू 10 हो गई। अच्छा देखो कॉमन पार्ट जीरो हो गया, ओनली चेस की वैल्यू 10 हो गई, चेस की वैल्यू टोटल 24 है तो बैडमिंटन वाला पोर्शन कितना हो गया 14 हो गया बैडमिंटन वाला। अच्छा यहां पे देखो टोटल 26 है, चेस वाले में टोटल 20 जा चुके हैं तो ये कितना बचा, दिस विल बी 6, ये 6 वैल्यू बची, परफेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो बैडमिंटन बट डोंट हैव पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज 35। डोंट हैव पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले जो बैडमिंटन जानते हैं वो 35 है, बैडमिंटन जानने वाले 35 है, परफेक्ट। इस इंफॉर्मेशन में अभी काफी ज्यादा ब्लैंक है तो अभी फिल करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लो और फिल करना है अभी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर डूइंग ग्रेट इन मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो नो चेस इज 25। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं और चेस भी जानते हैं, देखो यहां पे चेस वाला 10 ऑलरेडी जा चुका है, बचा कितना है, अगर टोटल 25 है 10 जा चुका है बचा है 15, ये वैल्यू हो गई 15, ये 15 वैल्यू ही, टोटल 36 है, रिमेनिंग बैडमिंटन कितना हो गया 20 बन हो गया। अब जो इंफॉर्मेशन मैंने नहीं यूज करी थी उसको यूज करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो बैडमिंटन बट डोंट हैव पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज 35, मतलब ये बैडमिंटन का टोटल समेशन जो आ रहा है वो है 35, तो इसको अगर मैं x कह दूं तो दिस विल बी 14 माइनस x, 21 ऑलरेडी हो चुके हैं, 21 प्लस 14 35, माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान दो कि टोटल ये वैल्यू 14 है, 14 यहां इन्वेस्ट हो चुकी है तो ओनली चेस वाला पोर्शन कितना आ गया, दैट विल बी 0, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने डाटा फिल कर लिया, और अगर इस तरह से नहीं बनाओगे तो ये इक्वेशन थोड़ा सा टफ भी बन सकता है ना, तो अगर देखो डाटा का रिप्रेजेंटेशन किया तो जस्ट हम लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ही रह गई। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, सेकंड और थर्ड का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर टेकन इन द कंसिडरेशन फ्रॉम गुरुकुल व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो चेस हु आर डूइंग ग्रेट इन साइंस बट डोंट हैव पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, परफेक्ट है। Who know chess? Chess जानते हैं and doing great in science. Science में अच्छे हैं, chess जानते हैं और अच्छा background है, मतलब इसकी बात कर रहा है। Science में number of student who are doing great in, कहाँ गया? Number of student who know chess, science में अच्छे हैं और अच्छे background के, मतलब इस portion को मुझे maximize करना है, मुझे x की maximum value find करनी है। और तुम्हें पता है कि ये देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, दिस इज 14 माइनस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज जीरो, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? क्लासेस में हम लोग ने डिस्कशन किया, दिस 14 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 14, मतलब एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हो यू कैन पुट इट 14 ही तुम मैक्सिमम वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हो। आई होप कि ये पूरा प्रोसेस जो है आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से प्रोसेस आपको करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर जाना और
शेयर करते रहो, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देते रहो, और भी अगर इस तरह के सेट्स की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी अच्छे अच्छे सेट डिस्कशन करेंगे। एक और बहुत अच्छा सेट है सेट थ्योरी का, जिसकी वैरायटी बनती है, उसका भी अपडेट करूंगा। ठीक है, आई होप कि ये पता चल गया। और जब भी सॉल्विंग करो तो उसका एक नोट्स छोटे से बना लो, जहां पर इस मेथड को लिखते चलो, जिससे कि रिवीजन के टाइम पे आपको बेटर रिवीजन हो पाए। ओवर करते हैं, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।